Hello and welcome back, students. So before I start with today's lecture, I just want to apologize to you all. A big sorry from my side for this gap, as I was being engaged with some kind of work because of which I was not able to upload the lectures for past few months. But now I'll make sure that I'll be more regular with you all. So please keep supporting and watch this lecture till end. Before I start with the lecture, I just want to give you a quick review कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं. हम लोग structural organization in animals पढ़ रहे थे, जहां में आप लोगों को epithelial, connective, muscular और nervous tissue बता चुके हूँ. cockroach से हमने start किया था. cockroach में हम morphology कर चुके हैं और anatomy portion में cockroach के हम digestive system, circulatory, respiratory और excretory system कर चुके हैं. आज के lecture में हम nervous system और sensory organs discuss करेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस फ्लो चार्ट जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का वो किसका बना हुआ है, गैंग्लियास का. कैसे गैंग्लियास हैं, फ्यूज्ड और सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियास कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं. कैसे गैंग्लियास हैं, फ्यूज्ड और सेगमेंटली अरेंज्ड. ओके, अब क्योंकि ये गैंग्लियास प्रेजेंट हैं, इन्हें कनेक्ट होने की जरूरत है एक दूसरे से, कुछ होना चाहिए जो इन्हें कनेक्ट करें. वो क्या होता है, इनके पास longitudinal connectives, paired longitudinal connectives होते हैं जो ganglias को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं. So basically nervous tissue जो है वो fused और segmentally arranged ganglias का बना है, which are connected to each other with the help of paired longitudinal connectives on the ventral side. ये ventral position बहुत important है. मैंने आप लोगों को positions बताई थी animal kingdom में कि चार पोजीशंस हैं, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, डॉर्सल है और वेंट्रल है. अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो कैसे है, वेंट्रल है इन पोजीशन. यहाँ पर जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, वेंट्रल है इन पोजीशन, क्योंकि नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल लोकेशन पे प्रेजेंट है. सो क्या है कि नर्वस सिस्टम जो है कॉकरोच का वो सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियास का बना है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव जो कि इस पूरे नर्वस सिस्टम को जोड़ने का काम कर रहे हैं. ठीक है, और पोजीशन क्या है, वेंट्रल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ब्रेन. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, पहले वो स्टार्ट ही उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्रेन होता है. तो जो कॉकरोच का ब्रेन है वो रिप्रेजेंट कैसे होता है, एज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. ठीक है, ब्रेक करो टर्म को, हमेशा कहती हूँ बहुत ईजी हो जाता है समझने में, आपको रटना नहीं पड़ेगा. सुप्रा ईसोफेजियल, ईसोफेजियल इज समथिंग रिलेटेड टू ईसोफेगस. ठीक है, एंड सुप्रा इज सुपीरियर, अबव. तो ब्रेन जो है वो अबव द ईसोफेगस रीजन प्रेजेंट होता है. ईसोफेजियल रिलेटेड टू ईसोफेगस. हम लोग जो इस पूरे नर्वस सिस्टम की पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो इसी ईसोफेगस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. ओके, सो जो ईसोफेगस है बेसिकली उसके ऊपर ब्रेन प्रेजेंट होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है. अब ईसोफेगस के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो वहां पर हेड होगा, राइट. कॉकरोच के हेड में क्या होते हैं, एंटीने और आईज होती हैं. तो ब्रेन जो है वो नर्व सप्लाई करता है टू दी एंटीने एंड आईज. क्लियर, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड एज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, दैट इज ब्रेन इज प्रेजेंट अबव द ईसोफेगस. सुप्रा इज सुपीरियर, ईसोफेगस इज ईसोफेजियल रिलेटेड टू ईसोफेगस. ठीक, ब्रेन नर्व सप्लाई कर रहा है एंटीने और आईज को इन द हेड रीजन. यहां तक क्लियर हो गया. अब आते हैं हम सब ईसोफेजियल गैंग्लियन पे. सब ईसोफेजियल मतलब सब इज बिलो. तो जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है ये ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट होता है. सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से क्या निकलते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है. डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है, अब आप डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल भी है और वेंट्रल इन पोजिशन भी है, दैट्स वाई हम इसे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कह रहे हैं. तो जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये बियर करती है 9 गैंग्लियास. और उससे भी पहले क्या इंपॉर्टेंट है, ये थोरेसिक और एब्डोमेन का मतलब क्या है, जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो थोरेक्स और एब्डोमेन दोनों में प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये इसकी पोजीशन है, थोरेसिक और एब्डोमिनल, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड की पोजीशन है. इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कॉकरोच का नर्वस सिस्टम जो है वो पूरे की पूरी बॉडी कवर कर रहा है कॉकरोच की, राइट. पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है, यानी कि हेड में भी है, थोरेक्स में भी है, एब्डोमेन में भी है, और इन्हीं तीन सेगमेंट्स में कॉकरोच की बॉडी या किसी भी आर्थ्रोपॉड की बॉडी डिवाइडेड होती है. क्लियर, तो
तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है कॉकरोच में, जो कि थोरेक्स में भी है और एब्डोमेन में भी है. और ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये क्या बियर करती है, 9 गैंग्लियास बियर करती है. नाउ इन ब्रैकेट आई हैव रिटन 3+6. ये 3+6 का क्या मतलब है, 3+6 का मतलब है कि अगर आप डायग्राम में देखोगे 1, 2, 3, तीन गैंग्लियास जो है, 9 में से 3 गैंग्लियास थोरेक्स रीजन में है एंड रिमेनिंग 6 जो है वो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है. क्लियर? सो हमने यहां से ये देखा कि जो कॉकरोच है उसका नर्वस सिस्टम वेंट्रल है पोजीशन में, उसके साथ साथ उसके पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है और कैसा है, सुप्रा ईसोफेजियल है, मतलब अबव द ईसोफेगस प्रेजेंट है, बायलोब्ड है, ब्रेन जो है वो एंटीने और आइस को नर्व सप्लाई कर रहा है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकल रही है जो कि थोरेक्स में भी है और एब्डोमिनल रीजन में भी है. थोरेसिक गैंग्लिया कितने हैं, 3 हैं और रिमेनिंग 6 जो है एब्डोमिनल है, विच मेक्स टोटल टू 9. सो दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कॉकरोच का हेड कट कर दूं, उसका हेड रिमूव कर दूं, तब भी कॉकरोच सर्वाइव करेगा फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक. उसका रीजन अगर आप खुद देखोगे तो वो आपको यहीं से मिल रहा है. सबसे बड़ा रीजन क्या है कि उसका मेजर नर्वस सिस्टम का पार्ट थोरेक्स में और एब्डोमिन में आ रहा है. हेड में ब्रेन है, कुछ पार्ट है, अगर वो रिमूव भी हो गया, मेजर पार्ट जो है वो उसका थोरेक्स से एब्डोमिन में आ रहा है. वो आराम से 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम वेंट्रल इन पोजीशन कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन, सब ईसोफेजियल एंड द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड व्हिच पियर्स द 9 गैंग्लिया. वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो पूरा इलोंगेटेड है थोरेक्स और एब्डोमिन में, 3+6 में प्रेजेंट है, 3 थोरेसिक गैंग्लिया है और 6 जो है एब्डोमिनल गैंग्लिया है, व्हिच मेक्स टोटल टू 9. और बिना हेड के इट कैन सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स. कॉकरोच के क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एंटीने, आईज, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, सर्काई एक्सेट्रा. आईज जो है वो ब्लैक और किडनी शेप्ड होती हैं, ब्लैक है और किडनी शेप्ड है. जो मैक्सिलरी पैल्प्स हैं बेसिकली दे आर यूज फॉर टेस्टिंग द फूड, फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये. ठीक, अब अगर हम इसकी आईज की बात करें तो कॉकरोच की जो आईज हैं कैसी होती है, नेचर में कंपाउंड आईज होती हैं. जब मैंने आपको एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ाया था वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, सारे आर्थ्रोपोड्स की. नाउ ओमेटीडिया कितने होते हैं, 2000 ओमेटीडिया कंपाउंड आईज में प्रेजेंट होते हैं. कॉकरोच की कंपाउंड आईज में कितने ओमेटीडिया प्रेजेंट है, इन टोटल 2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट होते हैं. ओमेटीडिया इज द प्लूरल एंड सिंगुलर इज नोन एज द ओमेटीडियम, ओमेटीडियम होते हैं. सो बेसिकली आईज कैसी है, कंपाउंड आईज है, ब्लैक है, किडनी शेप्ड है, ओमेटीडियम की बनी है. टोटल कितने ओमेटीडिया है, 2000 ओमेटीडिया है. मोज़ेक विजन होती है, या इसे हम कहते हैं कि ये कैसी इमेज बनाती है, एपोजिशन इमेज बनाती है, यानी सुपर इम्पोज्ड इमेज नहीं बनाती है, ओवरलैप नहीं कर रही होती है इमेज के पार्ट्स एक दूसरे पे. ठीक है, अब मोज़ेक विजन का बेसिकली मतलब क्या है. लुक, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें वो एक ऑब्जेक्ट दिखता है, क्लियर दिखता है, ठीक है, बहुत क्लियरली विजिबल होता है. पर इन केस ऑफ कॉकरोच होता क्या है कि ओमेटीडियम प्रेजेंट है. क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से कॉकरोच को देखोगे, उसकी आईज को नोटिस करने की कोशिश करोगे, तो आईज के केस में बेसिकली हो क्या रहे, ओमेटीडियम्स है. और सबसे बड़ी बात, कंपाउंड आईज जो है वो कैप्चर करते हैं मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, दे टेंड टू परसीव द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप फूड पार्टिकल ले लो, कोई भी फूड पार्टिकल है, राइट, तो एक ओमेटीडियम जो है वो उस एक ऑब्जेक्ट के एक पार्ट को कैप्चर करेगा, दूसरा ओमेटीडियम उसी ही सेम ऑब्जेक्ट के दूसरे पार्ट को कैप्चर करेगा. इस तरीके से 2000 ओमेटीडिया जो है वो उस पूरे ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कैप्चर कर एक उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, जो कि बहुत क्लियर नहीं होगी, रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा इमेज का, इमेज की क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी. ठीक है, तो 2000 ओमेटीडिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और मोज़ेक विजन होती है, नॉक्टर्नल विजन कहते हैं इसे. क्यों नॉक्टर्नल विजन कहते हैं, क्योंकि कॉकरोच जो है वो रात को एक्टिव होते हैं. ठीक है, और इट नीड सम लाइट, ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव है इसकी विजन जो है, इट्स वेरी सेंसिटिव, ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करती है, मोज़ेक विजन है.
क्लियर हो गया? ये क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, कितने ओमिटीडिया है, किस तरीके की विजन है, एंड यू शुड नो कि इस तरीके की विजन है तो क्यों है. नॉक्टर्नल विजन भी कहते हैं इसे, एपोजिशन इमेज बनाता है ये. नाउ अगर आपको एक कलरफुल डायग्राम दिख रहा है सबको स्क्रीन पर, दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओमिटीडियम. ठीक है, ये सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ए पार्ट की बात करते हैं ओमिटीडिया में. तो हर एक ओमिटीडियम जो है उसके पास एक, हर एक ओमिटीडियम के पास लेंस और कॉर्निया प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होता है? लेंस और कॉर्निया. अब ये लेंस और कॉर्निया को कहीं से सिक्रीट होने की जरूरत है. कौन सिक्रीट करता है? कॉर्नेजन सेल्स, जो कि जस्ट बिलो दी कॉर्निया और लेंस प्रेजेंट होते हैं. सो ईच ओमिटीडियम हैज लेंस और कॉर्निया एंड कॉर्नेजन सेल्स. देखो याद करना भी आसान है, रटना भी नहीं पड़ेगा. लेंस कॉर्निया कौन सिक्रीट कर रहा है? कॉर्नेजन सेल्स. तो कॉर्नेजन सेल्स जो है इस लेंस या कॉर्निया को सिक्रीट करते हैं, पहली चीज. दूसरी चीज, इस कॉर्नेजन सेल्स के नीचे ही क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट होती है. ये कैसा है नेचर में? ट्रांसपेरेंट सी क्रिस्टलाइन कोन है. ठीक है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन कोन विच इज बीइंग सिक्रेटेड बाय द कोन सेल्स. अब आप अगर एक बार ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे थ्रू द क्रिस्टलाइन कोन वाला पार्ट, तो आपको दिखेगा कि एक क्रिस्टलाइन कोन, जो ये रेड ऑरेंज कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां मेरा पॉइंटर है, इट्स बीइंग सराउंडेड बाय फोर कोन सेल्स. तो बेसिकली एक क्रिस्टलाइन कोन को चार कोन सेल्स जो है सिक्रीट कर रहे हैं. कोन सेल्स को हम क्या कहते हैं? विट्रली कहते हैं, VITRELLAE. आई रिपीट, VITRELLAE. तो ये कोन सेल्स को विट्रली भी कहते हैं. और ये जो पूरा बी है इसे हम क्या कहते हैं? फोकस रीजन या डायऑप्टिकल रीजन, नॉट ऑप्टिकल, इट्स डायऑप्टिकल, DIOPTRICAL. डायऑप्टिकल रीजन बनाता है. तो क्रिस्टलाइन कोन है विच इज बीइंग सिक्रेटेड बाय फोर कोन सेल्स और द विट्रली, एंड दिस होल मेक्स द डायऑप्टिकल और फोकस रीजन. ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, क्रिस्टलाइन कोन के जस्ट नीचे ही आपको एक डार्क सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक कलर का, जिसे हम कहते हैं रैबडोम. व्हाट वी कॉल दैट एज रैबडोम. अब अगर आप ध्यान दोगे तो अगेन सी पार्ट, अब आप इसका इस डायग्राम का सी पार्ट देखो, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द रैबडोम रीजन. ठीक है, रैबडोम पार्ट से. अब ये जो रैबडोम है, इट्स बीइंग सराउंडेड बाय सेवन रेटिनुलर सेल्स. क्रिस्टलाइन कोन इज सराउंडेड बाय फोर कोन सेल्स ऑफ द विट्रली व्हिच सीक्रेट दिस क्रिस्टलाइन कोन व्हिच इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर. नाउ समवॉट ट्रांसलूसेंट सा ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ रैबडोम व्हिच इज बीइंग सराउंडेड बाय द सेवन रेटिनुलर सेल्स. सी पार्ट में देखना, सात रेटिनुलर सेल्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सेवन रेटिनुलर सेल्स प्रेजेंट है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आती है कि एक ओमिटीडियम को दूसरे ओमिटीडियम से सेपरेट होने की जरूरत है. ओके, एक ओमिटीडियम है, दूसरा ओमिटीडियम है, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए ना, सेपरेट होना चाहिए, पता लगना चाहिए ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तभी तो वी कैन काउंट की 2000 ओमिटीडिया प्रेजेंट है. तो एक ओमिटीडियम को दूसरे ओमिटीडियम से कौन सेपरेट कर रहे हैं? दो शीथ प्रेजेंट है. कौन सी है वो दो शीथ? एक है ये आयरिस पिगमेंट शीथ और दूसरी है ये रेटिनल पिगमेंट शीथ. ये दोनों शीथ जो है, आपको उनकी लोकेशन दिख रही है डायग्राम में, ये लोकेशन है इसकी और ये लोकेशन है इसकी. ये दोनों ही शीथ जो है ये एक ओमिटीडियम को दूसरे ओमिटीडियम से सेपरेट करने का काम करती है. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई मिस आउट इन द स्टार्टिंग ऑफ द आई पार्ट. आईज मैंने आपसे कहा कि ओमिटीडियम की बनी है, टोटल 2000 ओमिटीडिया प्रेजेंट है. इनकी शेप कैसी है? हेक्सागनल शेप है. कैसी शेप है? दे आर हेक्सागनल इन शेप. हेक्सागनल शेप है और बाय कॉन्वेक्स है नेचर में. तो दे आर हेक्सागनल इन शेप और बाय कॉन्वेक्स है. ठीक है, हेक्सागनल शेप है, बाय कॉन्वेक्स ओमिटीडियम है, मोज़ेक विजन बनाते हैं. और आपको आई होप ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको समझ में आए. स्टिल कोई डाउट है प्लीज बी फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देती हूँ दोबारा से. मैंने आपको बताया कि हर एक ओमिटीडियम के पास लेंस और कॉर्निया होता है विच इज सिक्रेटेड बाय कॉर्नेजन सेल्स. कॉर्नेजन सेल्स के नीचे क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट है. उस क्रिस्टलाइन कोन को मैंने आपको बी में बताया था, ट्रांसफर सेक्शन दिया है जहां आप देख रहे हो चार कोन सेल्स उसे सिक्रेट कर रहे हैं. दिस मेक्स अ डायऑप्टिकल रीजन. कोन सेल्स को विट्रली भी कहते हैं, VITRELLAE. देन आपको मैंने बताया कि उसके ही नीचे, क्रिस्टलाइन कोन के नीचे, ट्रांसलूसेंट सा स्ट्रक्चर जिसे आप रैबडोम कहते हो, सराउंडेड बाय सेवन रेटिनुलर सेल्स. फिर आपको मैंने ये बताया कि जो
एक ओमिटिडियम दूसरे ओमिटिडियम से सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ आयरिस पिगमेंट शीट एंड द रेटिनल पिगमेंट शीट। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इफ आयरिस शीट इज रिमूव्ड, अगर मैं इसे रिमूव कर दू, ये आयरिस शीट जो प्रेजेंट है अगर मैं इसे हटा दू क्या होगा, इंस्टेड ऑफ मोजेक विजन और द नॉक्टर्नल विजन विच वी नॉर्मली ऑब्जर्व इन द केस ऑफ कॉकरोच, हमें सुपर पोजिशन इमेज मिलेगी, सुपर पोजिशन विजन टाइप होगा, मतलब एक इमेज का पार्ट दूसरी इमेज के पार्ट को ओवरलैप कर रहा होगा, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो आयरिस पिगमेंट शीट क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया, ताकि मोज़ेक विजन कॉकरोच को मिल सके, लेकिन अगर हम ये ही शीट रिमूव कर देंगे कॉकरोच में से तो उसकी मोज़ेक विजन जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, सुपरपोजिशन इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी, इमेज पार्ट्स जो है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, क्लियर। सो ये सारा बेसिक था सेंसरी ऑर्गन और इसकी आई का कॉकरोच में, बहुत कम था ये टॉपिक, बहुत ब्रीफ में मैंने आपको कोशिश की है बताने की। सो नर्वस सिस्टम सबको समझ में आ गया है, ब्रेन बाइलोब वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी, देन आप लोगों को मैंने सेंसरी ऑर्गन्स बता दिए, आईज जो हैं कंपाउंड आईज होंगी, ओमिटीडिया का बना हुआ होगा, ओमिटीडियम होगा इसके पास, सिंगुलर यूनिट इज द ओमिटीडियम एंड प्लूरल इज नोन एज द ओमिटीडिया 2000, ओमिटीडिया है मोज़ेक विजन है। फिर लेंस कॉर्निया है, उसके नीचे कॉर्नेजन सेल्स, कोन सेल्स, क्रिस्टलाइन कोन, रैपडोम सराउंडेड बाय 7 रेटिनुलर सेल्स एंड ईच ओमिटीडियम सेपरेटेड फ्रॉम द अदर विद द हेल्प ऑफ आयरिस एंड द रेटिनल पिगमेंट शीट, क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स। So here we have completed our today's portion. In the next lecture, we will study about the reproductive system, male and female cockroach के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ questions दिए हैं again practice के लिए, please आप इनको practice जरूर करना। Question से related कोई भी doubt आता है आप लोग आराम से मुझसे पूछ सकते हैं comment section में, और अगर कोई भी problem हो तो जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप देखो, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं जो मैंने आज पढ़ाया है, बहुत आराम से आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे, बट स्टिल प्रैक्टिस देम, ठीक है। और पोजीशंस हर एक उसकी याद रखना, एंड सॉल्यूशंस दिए हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर के दैट आई हैव मिस्ड टू गिव यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मैंने आपको कराया था, ये उसके आंसर्स हैं, ये आप चेक कर लेना कि ठीक है या नहीं, आप लोगों ने अटेम्प्ट करे तो आपके आंसर सही है यानी, या एक बार आप चेक कर सकते हो, और ये आपको 6 क्वेश्चंस हैं, सो डू प्रैक्टिस देम, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।